जीव और समष्टियाँ तीसरा भाग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समष्टि गुण, समष्टि वृद्धि और समष्टि वृद्धि मॉडल। पहले वीडियो में हमने जीव के बारे में पढ़ा, अभी हम समष्टि के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी जाति के पृथक जो अधिकांश सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में समूह में रहते हैं, समान संसाधनों का साझा उपयोग करते हैं अथवा उनके लिए स्पर्धा करते हैं या संकरण करते हैं, इसे समष्टि कहते हैं। जैसे कि मनुष्य की समष्टि, टिक वुड के पेड़ या संवर्धन प्लेट के जीवाणु। समष्टि गुण। हर समष्टि के कुछ खास गुण होते हैं जो व्यष्टि जीव में नहीं होते। ऐसे कुछ गुण हैं जन्म दर और मृत्यु दर। व्यष्टि जन्मता है और मरता है, लेकिन समष्टि में जन्म दरें और मृत्यु दरें होती हैं। समष्टि में इन दरों को क्रमश प्रति व्यक्ति जन्म दर और मृत्यु दर कहते हैं। इसलिए दर को समष्टि के सदस्यों के संबंधों में संख्या में परिवर्तन के रूप में प्रकट होता है। दूसरा है लिंग अनुपात। समष्टि का दूसरा विशिष्ट गुण लिंग अनुपात यानी नर एवं मादा का अनुपात है। व्यष्टि या तो नर है या मादा, परंतु समष्टि में कुछ संख्या में नर होते हैं और कुछ मादा, इसलिए एक समष्टि में लिंग अनुपात होता है। उदाहरण, एक समष्टि में सोचिए 60% नर और 40% मादा हैं। इस प्रतिशत को लिंग अनुपात कहते हैं। तीसरा गुण है आयु वितरण। एक समष्टि भिन्न आयु वाले व्यष्टियों से मिलकर बनती है। अगर समष्टि के लिए आयु वितरण को आलेखित किया जाता है तो बनने वाली संरचना आयु पिरामिड कहलाती है। पिरामिड का आकार समष्टि की स्थिति प्रतिबंधित करता है। जैसे पहला है बढ़ती, जिसमें पिरामिड का निचला हिस्सा किशोर, मंझली भाग व्यस्क और सबसे ऊपर का हिस्सा वृद्ध को दर्शाता है। पिरामिड का आकार उस आयु में कितने लोग हैं यह दर्शाता है, इसलिए बढ़ती में किशोर सबसे ज्यादा है। दूसरा है स्थिर। इस समष्टि में व्यस्कों की संख्या अधिक है, परंतु किशोर की संख्या तुलना में कम है। घटती, इसमें किशोरों की संख्या बहुत कम है और व्यस्कों और वृद्धों की संख्या अधिक बढ़ी हुई होती है। अब आते हैं चौथे गुण पे, जो है समष्टि घनत्व। समष्टि का आकार आवास में उसकी स्थिति के बारे में बहुत कुछ बताता है। समष्टि में कैसे भी पारिस्थितिक प्रक्रम का मूल्यांकन उसके आकार में कोई परिवर्तन से किया जा सकता है। समष्टि के आकार को अधिक तकनीकी रूप से समष्टि घनत्व कहा जाता है। प्रकृति में समष्टि के साइज का इतना भी हो सकता है कि लाखों से भी ज्यादा मिले, जैसे कि क्लमाइडोमोनास किसी तालाब में, या उनकी संख्या इतनी भी कम हो सकती है जैसे कि 10 से भी कम साइबेरिया साइरस भरतपुर में। अब बात करते हैं समष्टि वृद्धि। किसी जाति के लिए समष्टि की साइज स्थैतिक प्राचल नहीं है, यह समय समय पर बदलता रहता है, जो भिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि आहार उपलब्धता, मौसमी परिस्थितियां और परभक्षण दाब। वास्तव में ये परिवर्तन समष्टि में घटित हो रहा है, इसका हमें बोध कराता है, जैसे कि समष्टि घनत्व में बढ़ाव या समष्टि घनत्व में घटाव। समष्टि घनत्व का बढ़ाव या घटाव चार मूलभूत प्रक्रमों पर निर्भर करता है। इन चारों में से दो हैं जन्म दर और आप्रवासन, समष्टि घनत्व को बढ़ाते हैं, और दो मृत्यु दर तथा उत्प्रवासन, समष्टि घनत्व को घटाते हैं। समष्टि घनत्व
जन्म दर से बढ़ता है। समष्टि में जन्मी संख्या जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व में जुड़ती है। प्रवासन से भी समष्टि घनत्व बढ़ती है। यह उसी जाति के व्यष्टियों की वह संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं। मृत्यु दर से समष्टि घनत्व घटती है। यह दी गई अवधि समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या है। उत्प्रवासन से भी समष्टि की जनसंख्या घटती है। समष्टि के व्यष्टियों की वह संख्या है जो दी गई अवधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए हैं। अगर समय t पर समष्टि घनत्व n है तो समय t प्लस 1 पर इसका घनत्व nt प्लस 1 nt प्लस b प्लस i माइनस d प्लस e होगा। अगर जन्म दर और अप्रवासियों की संख्या जमा मृत्यु दर और उत्प्रवासियों की संख्या जमा से अधिक हो तो b प्लस i इज ग्रेटर देन d प्लस i, देन समष्टि घनत्व बढ़ता है। अगर जन्म दर और अप्रवासियों की संख्या जमा मृत्यु दर और उत्प्रवासियों की संख्या जमा से कम हो, जो कि b प्लस i इज लेस देन d प्लस i, तब समष्टि घनत्व घटता है। समष्टि वृद्धि मॉडल। अब एक समष्टि की वृद्धि कुछ मॉडल से दर्शाया जा सकता है। पहला है चर घातांक की वृद्धि। किसी समष्टि की अबाधित वृद्धि के लिए स्पष्टतः संसाधन, आहार और स्थान उपलब्ध होना अत्यावश्यक है। आदर्शतः आवास में जब संसाधन असीमित होते हैं तो प्रत्येक जाति में संख्या वृद्धि कर सकने की अपनी जनजात शक्ति को पूरी तरह अनुभव करने की योग्यता होती है। तब समष्टि चर घातांकी या एक्सपोनेंशियल अथवा ज्यामितिक या ज्योमेट्रिकल शैली में वृद्धि करती है। अगर n साइज की समष्टि में जन्म दरें प्रति व्यक्ति जन्म दर b के रूप में और मृत्यु दरें प्रति व्यक्ति मृत्यु दर d के रूप में निरूपित की जाती हैं, तब इकाई समय अवधि t के दौरान वृद्धि या कमी कुछ इस प्रकार होती है। dn by dt is equal to b minus d into n। अगर b minus d is equal to r, तब dn by dt is equal to r into n। इस समीकरण में r प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रेंसिक दर कहलाती है और समष्टि वृद्धि पर किसी भी जैविक अथवा अजीवीय कारक के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्राचल है। ऊपर दिया गया समीकरण समष्टि के चर घातांकी अथवा ज्यामिति वृद्धि बताता है और जब n को समय t के संदर्भ में आरेखित करते हैं तो इसका नतीजा j आकार का वक्र है। यह वक्र तभी हो सकता है जब अनुक्रियाएं को सीमित करने वाली नहीं है, तब आरेख चर घातांकी है। चर घातांकी वृद्धि समीकरण के समाकलित रूप को निम्न प्रकार से दिखाया जा सकता है। nt is equal to n naught to the power ert, जहां nt is equal to समय t में समष्टि घनत्व, n naught है समय शून्य में समष्टि घनत्व, r है प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर और e है प्राकृतिक लघु गणकों का आधार। असीमित संसाधन परिस्थितियों में चर घातांकी रूप से वृद्धि करने वाली कोई भी जाति थोड़े समय में ही विशाल समष्टि घनत्व तक पहुंच सकती है।
चर घातांक की वृद्धि का उदाहरण है संवर्धन प्लेट में बढ़ते हुए जीवाणु, जहां उनके पास आरंभ में असीमित संसाधन होते हैं। परंतु प्रकृति में संसाधन सीमित होती है और इसलिए समष्टि वृद्धि चर घातांक की वृद्धि नहीं दर्शाते हैं। प्राकृतिक रूप से समष्टि वृद्धि किसी और प्रकार से होती है। दूसरा है संभार तंत्र या लॉजिस्टिक वृद्धि। प्रकृति में किसी भी समष्टि के पास इतने असीमित संसाधन नहीं होते कि चर घातांक की वृद्धि होती रहे। इसके कारण सीमित संसाधनों के लिए व्यष्टियों में प्रतिस्पर्धा होती है और आखिर में योग्यतम व्यष्टि जीवित बना रहेगा। इसलिए सीमित संसाधनों में वृद्धि को लॉजिस्टिक वृद्धि कहते हैं। प्रकृति में दिए गए आवास के पास अधिकतम संभव संख्या के पालन पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन होते हैं। इससे आगे वृद्धि और संभव नहीं है। लॉजिस्टिक वृद्धि समीकरण को निम्न प्रकार से दिखाया जा सकता है। dN by dt is equal to R into N K minus N by K, जहां N समय T में समष्टि घनत्व, R प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर और K पोषण क्षमता है। ऊपर दिया गया समीकरण समष्टि के संभार तंत्र लॉजिस्टिक वृद्धि बताता है और जब N को समय T के संदर्भ में आरेखित करते हैं तो इसका नतीजा सिग्मोइड वक्र है। इस वक्र से हमें कुछ चीजें पता चलती हैं, जैसे कि पहला है लैग फेस, जो प्रारंभ में धीमी वृद्धि दर्शाता है। फिर आता है त्वरण वृद्धि और मंदन। यह तब होता है जब समष्टि घनत्व तीव्रता से बढ़ती है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा संसाधन है। फिर वृद्धि मंद होने लगती है जैसे जैसे संसाधन घटने लगता है। फिर आता है अंतःस्पर्शी प्रावस्थाएं। जब समष्टि घनत्व पोषण क्षमता तक पहुंच जाती है और वृद्धि नहीं होती। इस प्रकार की समष्टि वृद्धि विहुर्स्ट-पर्ल लॉजिस्टिक वृद्धि कहलाता है। अधिकांश प्राणियों की समष्टियों में वृद्धि के लिए संसाधन परिमित या फाइनाइट हैं और देर सबेर सीमित होने वाले हैं। इसलिए लॉजिस्टिक वृद्धि मॉडल को चर घातांक की वृद्धि से अधिक यथार्थपूर्ण माना जाता है। इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? समष्टि के गुण और उसके वृद्धि के बारे में। अगली वीडियो में समष्टि पारस्परिक क्रियाएं। धन्यवाद। जीव और